हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीखेंगे एबेकस में डायरेक्ट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन विदाउट एनी फॉर्मूला। मतलब कि किसी भी फॉर्मूले के बिना हम कैसे डिजिट को ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमने उसके लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और इनको हम एबेकस पे अपने सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमें विदाउट फॉर्मूले के सम को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं वन वन और प्लस वन थ्री डिजिट है। आइए अब इसको एबेकस पे कैसे करना है। वन वन एंड वन, हमें कितना यहाँ पर आंसर आ रहा है, वन टू थ्री। कितना आंसर आया, थ्री। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा थ्री। इसी तरह से अगला है सा टू प्लस वन प्लस वन, तो कैसे करेंगे इसको, प्लस टू प्लस वन और प्लस वन। आंसर कितना है यहाँ पर, फोर। ये हो जाएगा हमारा आंसर फोर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन टू प्लस टू, इसको क्लियर कर लेते हैं। टू प्लस टू आंसर फोर। और भी देखते हैं नेक्स्ट सम थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस वन आंसर फोर। और सम हम लोग इस तरह से ले सकते हैं टू प्लस वन तो हम इसको कैसे करेंगे, टू प्लस वन आंसर थ्री। ये हम विदाउट एनी फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले के लोअर बिट का एडिशन हम इस तरह से करते हैं। ये विदाउट फॉर्मूले का लोअर बिट का एडिशन है। ठीक, आगे हम लोअर बिट का विदाउट एनी फॉर्मूले के सब्सट्रैक्शन देखेंगे। देखिए सवाल जैसे कि हमारे यहाँ पर है टू प्लस वन और माइनस वन, क्लियर करके देखते हैं। प्लस टू प्लस वन और नेक्स्ट क्या है, माइनस वन। तो माइनस वन के लिए हमें क्या करना है, बिट को एक और बिट को नीचे कर देना है। आंसर हमारा कितना है यहाँ पर, टू। यहाँ लिख देंगे हमारा टू आंसर। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पर थ्री और टू प्लस टू और माइनस थ्री, प्लस टू और माइनस थ्री। आंसर कितना आया, वन। ये आंसर हो गया वन। इसी तरह से नेक्स्ट सम देखे प्लस वन प्लस वन प्लस टू और माइनस फोर, प्लस वन प्लस वन प्लस टू और लास्ट में है माइनस फोर। तो ये हो गया हमारा माइनस फोर। आंसर यहाँ पर क्या है, कोई बिट इस बिन को, कोई भी इस बिन को टच नहीं कर रही, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो। ये आंसर आ गया हमारा जीरो। नेक्स्ट लास्ट सम टू माइनस वन प्लस टू माइनस वन, आंसर कितना आया टू। ये हमारा तो अभी हमने एबेकस में विदाउट एनी फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले के बिना लोअर बिट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है। आगे हम अपर बिट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एबेकस के डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अपर बिट को किस तरह से ऐड करना है और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है इसमें। चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ सम लिए हैं, जैसे कि है यहाँ पर फाइव प्लस टू माइनस वन। कैसे करेंगे इसको, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो अपर बिट है उसकी वैल्यू कितनी है, फाइव है। तो सबसे पहले यहाँ पर फाइव प्लस टू, नीचे से प्लस टू, आंसर हमारे यहाँ पर कितना, सेवन। देन माइनस वन, माइनस वन के लिए एक बिट को लोअर बिट को नीचे कर दिया, आंसर हमारा यहाँ पर कितना है, सिक्स। इसको हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा है, क्लियर करके अभी फाइव
प्लस थ्री माइनस फाइव। अब अपर बिट को माइनस करने के लिए क्या करना है, अपर बिट को अप कर देना है, बीम से हटा देना है, ये हमारा माइनस हो गया। आंसर हमारा यहाँ पर कितना आया, थ्री। नेक्स्ट, इसी तरह से नेक्स्ट सम है फाइव प्लस वन प्लस वन और माइनस फाइव, आंसर टू। नेक्स्ट सम, अब देखिए यहां पर आया आपका सिक्स, तो पहले हम सिक्स को कैसे बीट करेंगे, फाइव ऊपर से और वन नीचे से, फाइव और वन टोटल यहां पर कितना हो गया सिक्स। देन नेक्स्ट टू प्लस प्लस टू, देन माइनस फाइव, अपर बिट को माइनस करना है हमें फाइव को, ये हो गया हमारा आंसर यहां पर थ्री। नेक्स्ट सेवन, फाइव अपर बिट एंड टू लोअर बिट, ये हो गया हमारा कितना सेवन। देन प्लस टू, प्लस टू और कर देंगे। नेक्स्ट, अब हमारे यहां पर कितना है माइनस सिक्स, माइनस सिक्स के लिए हमें क्या करना है, फाइव ऊपर से माइनस वन नीचे से, आंसर यहां पर आया हमारा थ्री। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इजी है। नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं सेवन, तो ये देखते हैं यहां पर सेवन प्लस टू माइनस टू, ये होगा माइनस टू, आंसर सेवन। नेक्स्ट वन, अब है हमारा प्लस एट, प्लस एट कैसे करेंगे, फाइव ऊपर से और थ्री नीचे से, कितना हो गया हमारा प्लस एट, टोटल हो गया हमारा यहाँ पर नाइन। अब हमें माइनस कितना करना है सेवन, माइनस सेवन के लिए फाइव ऊपर से और टू नीचे से माइनस, जैसे ऐड करेंगे वैसे ही हमें सब्सट्रैक्ट भी करना है, आंसर यहाँ पर हमारा है टू। फाइनल क्वेश्चन फाइव प्लस फोर, हो गया प्लस फोर, देन माइनस फाइव, अपर बिट को अप कर दिया, नेक्स्ट माइनस टू, आंसर हमारा कितना यहाँ पर टू। तो इस तरह से हम आपका फॉर्मूले के हम अपर और लोअर बिट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पर कर सकते हैं इजीली।